लाडवा के अर्ली स्टेप प्री स्कूल में मदर्स डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में स्कूल के लगभग सभी माता पिता अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब के प्रधान मीनू गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं स्कूल की ओर से मुख्य अतिथि मीनू गुप्ता का कार्यक्रम में पहुंचने पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इनर व्हील क्लब की प्रधान मीनू गुप्ता स्कूल परिसर में पहुंची और माताओं को कहा कि माँ की सबसे पहले अपने बच्चे की गुरु होती है, क्योंकि स्कूल से पहले माता ही अपने बच्चे का पालन पोषण कर उसे स्कूल जाने लायक बनाती है। उन्होंने बताया कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। एक माँ ही होती है जो बच्चे के पूर्ण विकास के प्रति तत्पर रहती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी बच्चों को अपनी माँ के साथ साथ सभी परिजनों और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी सम्मान करना चाहिए। प्रोग्राम देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे समय में इतने अच्छे प्ले वे स्कूल नहीं हुआ करते थे। आज हम सभी यहाँ पर मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मदर्स डे एक ऐसा दिन है जो सभी के लिए बहुत खास होता है। माँ के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। करुणा का सागर आप, ममता की मूरत हो आप, सादगी से परिपूर्ण आप, बेहद खूबसूरत हो, वाणी में मिठास आपकी, मन में प्यार आप, गाए हमने इस दुनिया में आपका आभार। माँ के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले अपने बच्चों की गुरु होती है, क्योंकि माँ ही बच्चों का पालन पोषण करके बच्चों को स्कूल जाने लायक बनाती है। आज मैं कुछ एक्सपीरियंस पेरेंट्स से शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि बच्चों को कहाँ डाला जाए। बच्चे को किसी बड़े स्कूल में डाला जाए जहाँ पर बच्चों का माहौल घर से अलग हो, या छोटे स्कूल में डाला जाए जहाँ बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल सके। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि कहाँ डालना चाहिए बच्चों को? छोटे स्कूल में क्यों? मैम कुछ क्वेश्चन पुट कर रही है। लास्ट तक जो मदर बैठेंगे वो इस पजल कंक्लूजन गेम जो है उसका रिप्लाई अगर अच्छे से देंगे वो भी विन हो के जाएगा। तो लास्ट तक बैठे रहिए और मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। वहीं स्कूल की प्राचार्य सोनिया गोयल ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई कविता, ग्रुप डांस, गीता मेरी प्यारी मम्मी तो कितनी अच्छी है सहित कई मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। सभी माताओं ने भी कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिसमें रैंप वॉक, ग्रुप डांस, हुला हूप सहित कई खेल शामिल थे, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ मैडम, आज जो स्कूल के अंदर मदर डे कार्यक्रम करवाया गया इसमें क्या क्या करवाया आपने? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत सभी मदर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश्व वेरी मदर्स डे। सर, इस कार्यक्रम में हमने मदर्स की गेम्स कराई हैं और बच्चों के भी परफॉर्मेंस रही हैं और सभी मदर्स ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन रखे गए जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। तो सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मदर्स को हमने गिफ्ट दिए हैं और सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा कॉपरेशन किया। आपको बता दें कि स्कूल में माताओं को घर पर ही रसोई गैस का चूल्हा भी घर पर ही ठीक करना सिखाया गया। वही गेम्स की सभी विजेता रही माताओं को मीना गुप्ता की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ स्कूल की ओर से कार्यक्रम में पहुंची अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट।